हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंडिगो चैप्टर की बात। लेकिन चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आइए थोड़ा जान लेते हैं कि लुईस फिशर है कौन। तो लुईस फिशर का जन्म 1896 को हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1970 में। इनका जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था और ब्रिटिश आर्मी में इन्होंने सर्व किया था वॉलेंटरीली 1918 से 1920 के बीच में। फिशर ने अपना करियर एज ए जर्नलिस्ट बनाया था और न्यूयॉर्क टाइम, सैटरडे रिव्यू और कई एशियन और यूरोपियन पब्लिकेशंस के लिए भी इन्होंने लिखा। तो इसके साथ साथ ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी और मेंबर भी थे। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं डिटेलिंग में, जिस चीज़ को हम समझने वाले हैं, ये इनकी किताब द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया है। और ये जो फिशर की लिखी हुई बुक है, गांधी के जीवन पर लिखी गई वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इतिहास के ऐसे बहुत सारे राज हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इन द कोर्स ऑफ द टाइम या तो दफन हो गई हैं या फिर मिटा दी गई हैं। लकीली ये चैप्टर नहीं है बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज़ है जो हमें पास्ट में झांकने का एक मौका देता है। और दो तीन ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जिन पर आप थोड़ा सा क्लोजली गौर करो तो भारत से जुड़ी हुई ऐसी कई सारी जानकारियां हैं जो शायद आपको चौंका देंगी और शायद आपके पैरों के नीचे की ज़मीन भी निकाल दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक दस्तावेज़ को खंगालना और शुरू करते हैं हमारा चैप्टर इंडिगो। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ कि ये लिखा है लुईस फिशर ने, जो एक अंग्रेज़ थे। तो लुईस फिशर ने लिखा है और गांधी जी ने सब कुछ अपने मुंह से कहा है। आई एम ओनली ट्रांसलेटिंग एवरी सिंगल वर्ड, मैं खाली ट्रांसलेट कर रहा हूँ, लेकिन जो ट्रांसलेट कर रहा हूँ वो वाकई में वो है जो शायद आपने कभी देखा सुना नहीं हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1942 में लुईस फिशर जो है गांधी जी से इनके सेवाग्राम आश्रम में मिले, जो कि सेंट्रल इंडिया में है। और जब ये उनसे मिले तो गांधी जी ने कहा कि मैंने कब ये डिसाइड कर लिया था कि अब अंग्रेज़ों को भारत से जाना ही होगा। और वो कहते हैं कि ये सब शुरू हुआ था उस पर्टिकुलर कन्वेंशन में जब वो गए हुए थे। तो बात है दिसंबर 1916 की। गांधी जी जो है लखनऊ में अपने वार्षिक कन्वेंशन में गए हुए थे। 2300 डेलीगेट्स वहाँ आए हुए थे और कई सारे विजिटर भी थे। तो उस कन्वेंशन की प्रोसीडिंग के दौरान गांधी बताते हैं कि एक गरीब सा किसान उनके पास आया, देखने में बिल्कुल वैसा ही था जैसे उस समय भारत के किसान दिखाई देते थे, गरीब, सिंगल पसली और बिल्कुल फटेहाल। तो उसने कहा कि उसका नाम राजकुमार शुक्ला है और वो चंपारण बिहार से आया है। गांधी ने कभी भी चंपारण जैसी जगह का नाम सुना ही नहीं था। तो दरअसल ये हिमालय की फुटहिल्स में बसा हुआ एक जगह है और नेपाल किंगडम के पास में है। तो यहाँ सीन ये था कि एक एंशेंट एग्रीमेंट के तहत यहाँ के जितने भी पीजेंट थे वो सारे शेयर क्रॉपर्स थे और राजकुमार शुक्ला उनमें से एक था। वो अनपढ़ ज़रूर था लेकिन इरादे का पक्का था और वो गांधी के अधिवेशन में आया था उस इनजस्टिस की कंप्लेन करने, जो कि अंग्रेज़ ज़मींदार वहाँ चंपारण में भारतीय किसानों पर कर रहे थे। तो किसी ने राजकुमार शुक्ला से ये कहा कि आप गांधी से इस मैटर में बात करो, तो वो सीधा गांधी जी से मिलने यहाँ आ गया। तो गांधी जी ने शुक्ला को कहा कि भाई देखो, अभी तो मेरी कई सारी अपॉइंटमेंट्स हैं, अभी तो मैं कानपुर जाऊँगा और उसके बाद भारत के अलग अलग हिस्सों में मेरी कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जहाँ मेरे को जाना है। तो शुक्ला जी पीछे पीछे उनके हो लिए, जहाँ जहाँ गांधी जी गए वहाँ वहाँ शुक्ला जी पीछे पीछे गए। जब गांधी जी अहमदाबाद के आश्रम में लौटे तो शुक्ला जी भी उनके पीछे पीछे आ गया। शुक्ला जी की इस फर्मनेस को देख करके गांधी जी काफ़ी इम्प्रेस हो गए। तो शुक्ला जी ने फिर अपनी बात को दोहराई, बोले गांधी जी मैटर बड़ा सीरियस है, आपको मेरे साथ चलना ही होगा, तो आप एक डेट फिक्स कीजिए। तो गांधी जी पहले ही जो है काफ़ी इम्प्रेस हो चुके थे उसकी फर्मनेस से, टिनेसिटी से। तो गांधी जी कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं फला फला तारीख को कलकत्ता आऊँगा तो तुम मुझे वहाँ पर मिल जाना, फिर मैं तुम्हारे साथ चल चलूँगा। तो महीनों बीत गए लेकिन जिस दिन गांधी जी ने आने की बात कही थी उसी दिन जो है हमारा शुक्ला जी स्टेशन पर बैठा हुआ है, उनका वेट कर रहा है
और जब गांधी जी वहाँ पर पहुँचे तो वेट करता है कि गांधी जी अपने जो दोस्त हैं, जो परिचित हैं, उनसे मिल के फ्री हो जाएं। फिर दोनों के दोनों पटना बिहार जाने वाली ट्रेन में चढ़ गए। तो वहाँ से शुक्ला सीधा गांधी जी को लेकर के जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर। ये वही प्रसाद बाबू हैं जो पहले राष्ट्रपति बने थे आज़ाद भारत के और बाद में प्रेसिडेंट भी बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो उस समय राजेंद्र प्रसाद जो है घर से बाहर गए हुए थे, लेकिन घर के जो नौकर थे वो बहुत अच्छे तरीके से जानते थे राजकुमार शुक्ला को। वो जानते थे ये गरीब किसान हैं और आए दिन उनके मालिक को परेशान करता है इंडिगो शेयर क्रॉपिंग के मैटर में। तो उन्होंने क्या किया कि शुक्ला जी को ज़मीन पर ही बैठा दिया और उसके साथ आए उनके कंपेनियन को भी। दरअसल नौकरों ने ये समझ लिया कि ये भी एक गरीब किसान ही है, यानी गांधी जी को उन्होंने गरीब किसान ही समझ लिया था। अब जिस मैं ऐतिहासिक चीज़ की बात कर रहा था वहाँ पर इस चीज़ का जिक्र है कि शुक्ला जी ने पानी मांगा पीने के लिए नौकरों से। गांधी जी को प्यास लग रही, जाहिर सी बात है इतनी दूर से आए थे, प्यास लगना लाजमी है। तो कमाल की बात यह है कि नौकरों ने ना तो दोनों को पानी पीने के लिए ही दिया और ना ही उन्हें कुएं से पानी खींचने दिया, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि अगर शुक्ला कुएं से पानी खींचता है और उसके हाथ से अगर कुएं में पानी की एक बूंद भी गिर गई तो पूरे कुएं का पानी मैला हो जाएगा। अब कमाल की बात यह है कि राजकुमार शुक्ला, अगर आप शुक्ला की कास्ट निकालो तो ये होते हैं ब्राह्मण। अगर 1917 में ब्राह्मण अछूत था तो फिर आप मुझे ये बताइए कि फिर कौन छूत है। तो 1917 तक भारत में कास्टिज्म था ही नहीं। ये जो भी स्टोरीज हम सुनते हैं ये सारी की सारी मार्केटिंग की गई, ये पब्लिसिटी स्टंट था ताकि हिंदुस्तानियों के दिमाग में बात भरी जा सके कि भारत में ये जो जात पात है ये तो बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है और इसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि 1917 में अगर शुक्ला ब्राह्मण अछूत था तो फिर कौन छूत होगा, कौन टचेबल, कौन अनटचेबल। 1917 तक भारत में कास्टिज्म था ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद गांधी जी ने अपने मुंह से कहा है और इस चीज़ को लुईस फिशर ने डॉक्यूमेंट किया है। लकीली एनसीईआरटी की इस बुक में इस चीज़ का जिक्र हुआ है, अदरवाइज रियल हिस्ट्री तो गायब है इंडिया से। तो उन्होंने जो है ना तो गांधी जी को शुक्ला जी को पानी पीने के लिए दिया और ना ही उन्हें कुएं से पानी निकालने दिया। अब भला नौकरों को ये कैसे पता था कि गांधी जी जो है अछूत नहीं थे। अब यहाँ एक और कमाल की बात है, यानी कि शुक्ला ब्राह्मण तो अछूत है लेकिन गांधी जी अछूत नहीं थे, है ना इंटरेस्टिंग। तो मैं सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे इतिहास के राज इसी चैप्टर से खुलेंगे। आप अगर नज़रें और दिमाग की खिड़कियाँ खोल करके सुनो तो ये चैप्टर सिर्फ आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ही नहीं दिलवाएगा बल्कि आपकी सोच को एक नए सिरे से डेवलप भी करेगा हमारे भारत के इतिहास के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे जो कि चंपारण के रास्ते में ही पड़ता था, ताकि और जानकारी जुटा सके यहाँ किसानों की कंडीशंस के बारे में, क्योंकि राजकुमार शुक्ला अनपढ़ था, ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, तो इतनी जानकारी वो दे नहीं सकता था। तो उन्होंने क्या किया कि प्रोफेसर जे बी कृपलानी जो कि आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर थे, उनको एक लेटर लिखा कि मैं आ रहा हूँ फला फला तारीख को। और कृपलानी जी को इन्होंने टैगोर शांति निकेतन स्कूल में देखा था और वहीं पर ये जो है गांधी जी के भक्त हो गए थे। तो 15 अप्रैल 1917 को आधी रात को ट्रेन पहुँचती है वहाँ पर और कृपलानी जी वे उनका वेलकम करते हैं अपने स्टूडेंट्स के हुजूम के साथ में। वहाँ से गांधी जी जो है 2 दिन तक रुकते हैं प्रोफेसर मलकानी के घर पे, जो कि एक गवर्नमेंट टीचर थे। और गांधी जी कहते हैं कि बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है कि हम जैसे स्वराज के सपोर्टर्स को आप गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अपने घरों में शरण देते हो, मैं आपकी हिम्मत की दान देता हूँ। तो गांधी जी के वहाँ पर आने की खबर और किस मकसद से आए हैं ये पूरे मुजफ्फरपुर में जंगल की आग की तरह फैल गया।
और लोग यानी किसान पास या दूर से या तो अपने कन्वेंस से या पैदल ही गांधी जी को देखने के लिए आने लगे। तो गांधी जी ने वहाँ के मुजफ्फरपुर के सारे वकीलों को बुला करके ब्रीफिंग करी, उनसे पूछा कि भाई यहाँ के किसान इतने परेशान हैं तो आप लोग इनकी हेल्प करने के लिए क्या कर रहे हो। तो सारे के सारे लॉयर्स ने बड़े प्राउडली कहा कि यूजुअली गांधी जी हम इनके केसेस को कोर्ट में लेके जाते हैं और यही हम फ़ी चार्ज करते हैं, और बहुत भारी भरकम फ़ी लेते थे उन किसानों से। तो उनकी फीस का साइज सुन करके ही गांधी जी को भयंकर गुस्सा आ गया लॉयर्स पर, और वो उनको फटकारते हुए बोले कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन किसानों के केसेस को लॉ कोर्ट्स में ले जाने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे किसान जो है डरे हुए हैं, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं। तो अगर हमें इनको सच में आज़ाद करवाना है या इनकी सच में हेल्प करनी है तो इनके मन से हमें ब्रिटिश डर निकालना ही पड़ेगा। तो इस पार्ट में हम ये लेते हैं, अगले वाले पार्ट में हम और थोड़ा सा समझेंगे आगे के इवेंट्स को। तो सेकंड पार्ट से कनेक्ट रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।